कल का क्या पता? कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। हुगली नदी के किनारे बसी ये सिटी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो चलिए अपनी विंटेज कार में बैठ के चलते हैं कोलकाता दर्शन पे। दिखाते हैं आपको इसकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर जो इस सिटी होल्ड करती है। और यही नहीं, यहाँ पे आपको 7 वंडर्स देखने को भी मिलेंगे। नहीं नहीं, ये असली नहीं, रेप्लिका ऑफ वंडर्स है। इसके अलावा आपको इस सिटी की बहुत ही ब्यूटीफुल वैक्स म्यूजियम देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं कोलकाता दर्शन पे। पर उससे पहले वही कहूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कोलकाता वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। डबोक एयरपोर्ट, तो आज हम घूमेंगे कोलकाता। तो चलिए कोलकाता में आप लोगों को घुमाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे और अब हम लोग उड़ने वाले हैं। कहाँ के लिए? दिल्ली। हाँ, पहले हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली हमारा हॉल्ट है, और उसके बाद हम जाएंगे कोलकाता। कोलकाता के एयरपोर्ट पे हम घुमाएंगे आपको ये सिटी। कोलकाता जानी जाती है सिटी ऑफ जॉय के नाम से, तो देखते हैं सिटी में कितना जॉय है। तो चलिए व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है मदर्स वैक्स म्यूजियम। ये न्यू टाउन इन कोलकाता में है। यहाँ जाके आपको बहुत सारे वैक्स स्टैचूज मिलेंगे जिनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, फन पोजेस बना सकते हैं। तो चलिए वैक्स म्यूजियम भी एक्सप्लोर करते हैं। इस वैक्स म्यूजियम के लिए जो एंट्री फीस है वो है 250 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे साइंस सेक्शन है, हिस्ट्री सेक्शन है, बॉलीवुड सेक्शन है। तो आपको जो भी सेक्शन में इंटरेस्ट हो आप वहाँ पे जाके अपनी अच्छी अच्छी फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। और बच्चों के साथ घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, वो उनको बहुत ही नॉलेजेबल थिंग्स देखने को मिलेंगी।
लिटरेचर सेक्शन के बाद अब पारी है साइंस सेक्शन की, तो हम आ गए साइंस सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं साइंस सेक्शन में कौन से स्टैच्यूज हमारे इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी है स्पोर्ट्स सेक्शन की, और ये जो वॉल थी ना मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। सारे स्पोर्ट्स पर्सन के इसमें नाम थे और उनके बारे में लिखा हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हुए थे। तो चलिए इस सेक्शन में जाते हैं और अपने फेवरेट क्रिकेट सेक्शन को, फुटबॉल सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच गए हैं म्यूजिक सेक्शन में, और यहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज लगी थी म्यूजिशियंस की, तो ये सारी मैंने एक्सप्लोर की और बहुत ही अच्छे स्टैच्यूज भी थे। तो चलिए आपको स्टैच्यूज भी दिखाते हैं। सारे लोगों के फेवरेट सेक्शन में जो कि है बॉलीवुड सेक्शन। तो चलिए सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सब आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, जाके उनसे मिलते हैं। सेक्शन के बाद अब बात है हॉलीवुड सेक्शन की। यहाँ पे जेम्स बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ब्रूस ली देखने को मिलेगा, ब्रैड पिट देखने को मिलेगा। तो चलिए हॉलीवुड सेक्शन में आइए, खूब सारी फोटो क्लिक्स कराइए। आगे अब हम आ गए हैं स्पेस सेक्शन में, और ये है वॉल जहाँ पे स्पेस सेक्शन के फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए स्पेस सेक्शन में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है अंदर। सेक्शन में छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो अपने बच्चों को एक सेक्शन में दिखाने के लिए जरूर लिख के आइए। सेक्शन जो कि है टैटू लाइट सेक्शन, तो बेसिकली इंडोर में सेक्शन बनाया हुआ था और यहाँ पे जो लेजर लाइट है वो थी और बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था। तो अगर आपको नाचने का मन है तो यहाँ आइए और खूब सारा डांस कीजिए, जैसे कि हम अपना डांस एंजॉय कर रहे हैं।
हमारा वैक्स म्यूजियम टूर जो हुआ वो हुआ ख़त्म। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा फेवरेट तो साइंस सेक्शन था। हर बार की तरह मैंने व्लॉग के लास्ट में अपनी फोटोज़ अटैच की हैं, तो वो फोटोज़ देख के ही जाइएगा। और हाँ, अगर ये व्लॉग पसंद आए तो सर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग भी कोलकाता का ही व्लॉग आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।